इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को प्रारंभ होगी एवं 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना व कलश स्थापना की जाती है। शारदीय नवरात्रि का समापन 10वें दिन दशहरा के दिन होता है, इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। देवी दुर्गा के आगमन या प्रस्थान का वाहन सप्ताह के उस दिन से निर्धारित होता है जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि गुरुवार को शुरू हो रहा है। जब नवरात्रि गुरुवार को शुरू होता है तो देवी दुर्गा का वाहन पालकी या डोली होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 2 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर दुर्गा माँ का आवाहन किया जाएगा एवं फिर बेहद श्रद्धा भाव से माँ के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि को पहला दिन माँ शैलपुत्री की को समर्पित होता है। इस दिन माँ शैलपुत्री का विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है एवं हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान 9 दिन की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की जाती है एवं श्रद्धालु माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का उपवास रखते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना कलश स्थापना की जाती है। इसके लिए पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा का प्रतिमा को विराजमान करना होता है। उसके बाद कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी गांठ, दुर्वा, सुपारी डालकर कलश को स्थापित किया जाता है। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दिया जाता है एवं ऊपर से नारियल में कलावा बांधकर रख दिया जाता है। एक पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालकर 7 तरह की अनाज बोए जाते हैं और इसे चौकी पर रख देते हैं। अंत में दीपक जलाकर गणपति माताजी नवग्रहों का आवाहन किया जाता है और फिर विधि विधान से देवी की एवं कलश की एवं नवग्रह की पूजा किया जाता है। कलश स्थापना के बाद 16 विधि से माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा किया जाता है। इस दिन माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र का भी हम दिन भर जाप कर सकते हैं एवं इस दिन से 9 दिन तक सप्तशती चंडी का पाठ का भी करना का विधान है।